मानसून को मनाने के लिए बुरहानपुर में लोग भगवान की पूजा अर्चना और अनुष्ठान कर रहे हैं। खकना क्षेत्र के ग्राम डोईफोड़िया में प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति का अभिषेक कर उसका पानी उतावली नदी तक छोड़ा गया। इसके बाद युवाओं ने प्रार्थना की कि हनुमान जी रूठे हुए मानसून को फिर से एक बार उनके क्षेत्र में भेज दें। इलाके में करीब 18 दिन से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इसलिए सभी युवाओं ने मिलकर इस अनुष्ठान को अंजाम दिया। इसके साथ ही मंदिर में एक घंटा भी लगाया गया और हनुमान चालीसा के बाद महाआरती कर प्रसाद बांटा गया। वहीं तहसील के देड़तलाई इलाके में ग्रामीणों ने बारिश नहीं होने से परेशानी के चलते ताप्ती नदी से पानी लाकर गांव के मंदिरों में भगवान का जल अभिषेक किया। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण किसानों को डबल बोनी करने की नौबत आ गई है, जबकि खेतों में काम नहीं मिलने से मजदूर परेशान हैं। यहां पर आज सब बंधु एकत्रित होकर भंडारे का कार्यक्रम किया गया और श्री हनुमान जी के मंदिर पर 5 किलो का घंटा लगाया गया और पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पर हनुमान जी को जल विसर्जित करा और जल अभिषेक करने के बाद में वहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया और महाआरती हुई। सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ यहाँ कार्यक्रम तय कराया और कबड्डी वगैरह खेलकूद हुई और सभी ने आनंदित भगवान से प्रार्थना यही करी कि इंद्रदेव से प्रार्थना करी कि हमारे यहाँ भारत में पानी और धन धान्य सभी सुखी संपन्न हो और हमारे ग्राम के सभी भाई एकत्रित होकर राष्ट्र को प्रथम पुरस्कार के लिए एकीकृत करें और कृषि में हमारे लिए इंद्रदेव जल्द से जल्द जल गिराए। दरअसल इलाकों में 18 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण डबल बोनी करने की नौबत आ गई है। इसके चलते अब ग्रामीणों ने देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मन बना लिया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट। रूठे हुए मानसून को मनाने के लिए बुरहानपुर में लोग भगवान की पूजा अर्चना और अनुष्ठान कर रहे हैं। खकना क्षेत्र के ग्राम डोईफोड़िया में प्राचीन हनुमान जी की मूर्ति का अभिषेक कर उसका पानी उतावली नदी तक छोड़ा गया। इसके बाद युवाओं ने प्रार्थना की कि हनुमान जी रूठे हुए मानसून को फिर से एक बार उनके क्षेत्र में भेज दें। इलाके में करीब 18 दिन से बारिश नहीं हुई है, जिससे किसानों की फसलें खराब हो रही हैं। इसलिए सभी युवाओं ने मिलकर इस अनुष्ठान को अंजाम दिया। इसके साथ ही मंदिर में एक घंटा भी लगाया गया और हनुमान चालीसा के बाद महाआरती कर प्रसाद बांटा गया। वहीं तहसील के देड़तलाई इलाके में ग्रामीणों ने बारिश नहीं होने से परेशानी के चलते ताप्ती नदी से पानी लाकर गांव के मंदिरों में भगवान का जल अभिषेक किया। दरअसल बारिश नहीं होने के कारण किसानों को डबल बोनी करने की नौबत आ गई है, जबकि खेतों में काम नहीं मिलने से मजदूर परेशान हैं। यहां पर आज सब बंधु एकत्रित होकर भंडारे का कार्यक्रम किया गया और श्री हनुमान जी के मंदिर पर 5 किलो का घंटा लगाया गया और पूजा अर्चना के बाद में यहाँ पर हनुमान जी को जल विसर्जित करा और जल अभिषेक करने के बाद में वहाँ पर भंडारा का आयोजन किया गया और महाआरती हुई। सभी भक्तों ने हर्षोल्लास के साथ यहाँ कार्यक्रम तय कराया और कबड्डी वगैरह खेलकूद हुई और सभी ने आनंदित भगवान से प्रार्थना यही करी कि इंद्रदेव से प्रार्थना करी कि हमारे यहाँ भारत में पानी और धन धान्य सभी सुखी संपन्न हो और हमारे ग्राम के सभी भाई एकत्रित होकर राष्ट्र को प्रथम पुरस्कार के लिए एकीकृत करें और कृषि में हमारे लिए इंद्रदेव जल्द से जल्द जल गिराए। दरअसल इलाकों में 18 दिनों से बारिश नहीं होने के कारण डबल बोनी करने की नौबत आ गई है। इसके चलते अब ग्रामीणों ने
देवी देवताओं को प्रसन्न करने का मन बना लिया है। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए बुरहानपुर से गोपाल देवकर की रिपोर्ट।